अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नोमी व्लॉगर्स। बाइक रिव्यू सीरीज के एक नए एपिसोड के साथ मैं आज जो है मौजूद हूँ G10 मरकज में। तो हमारे साथ जो है शाहिद भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाहिद भाई, कैसे आप? तो यार लास्ट वीडियो में आप लोगों ने जो है ना एक और वीडियो में भी हमारे साथ देखेंगे शाहिद भाई, तो ये जो है ना आज कहते जी मैं फुल तैयारी करके आया हूँ। लास्ट टाइम थोड़ी सी ना मिस्टेक हो गई थी एनीवे, बट मेरी भी वो फर्स्ट वीडियो थी और इनकी भी। तो आज की वीडियो में जो लेकर आप हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले इसका नाम बताएंगे। इसका नाम जो है ना ये ईवी की एक मॉडल है और ये C1 है। अच्छा, ईवी ये जो है इलेक्ट्रिक जो है स्कूटी तैयार करते हैं। जी जी, ये जो है चाइना की एक आप कह सकते हैं जैसे टोयोटा की कंपनी है, सेम वही है। तो इसका नाम क्या है? C1। ये C1 और इसमें जो C1 प्रो आती है वो जो है फुल ऑप्शन टॉप ऑफ द लाइन इसका वर्जन है, वो जो है अंदर खड़ा है उसका जो है हम लोग जो है ना नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो इसका यार मेक मॉडल बता देंगे मुझे। इसका जो है ना ये अभी 2024 के एंड में, समझो 2025 ही आई है। अच्छा जी, ये 25 मॉडल है। 25 मॉडल है और इसमें जो ना 65 किलोमीटर ये बैटरी पे चलती है। अच्छा, ये चार्ज कितने टाइम होते हैं? ये तकरीबन जो ना वैसे 7 घंटे का जो ना एंड पे, मतलब 6 से 7 घंटे, 6 से 7 घंटों में फुल चार्ज होती है। अच्छा, तो ये 65 किलोमीटर चलती है, इसकी जो टॉप स्पीड है वो 55 है। अच्छा, इसकी जो है टॉप स्पीड 55 है और ये जो आपको जो पर लीटर पे एवरेज मतलब फुल ये फुल बैटरी पे 65 चलती है। 65 और ये जो चार्ज है वो जो है 6 से 7 घंटे में होती है। इसमें इन जो बैटरी रहती है वो कितने वाट की होती है? 1200 वाट की बैटरी होती है इसमें, और वो भी जो है ना लिथियम आयरन वाली जो बगैर पानी वाली होती है वो उनको ही पता होगा जिनको स्कूटियों का पता है, मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इसकी प्राइस क्या है जी? इसकी प्राइस जो है ना 2,05,000 है। 2,05,000 में ये रेट है इसका। और इसमें जो ना 3 कलर है, एक व्हाइट में, एक ब्लू में और एक रेड में है। अच्छा अच्छा, तो आपके पास कौन कौन सा अवेलेबल है? हमारे पास तो सिर्फ ये ब्लू अवेलेबल है, और अगर किसी को जरूरत होती है तो उसको मंगवा सकते हैं। सही है। तो यार बाकी जो है ना इसकी लुक आप लोग देख सकते हैं। ये आप मुझे बताएं ये यूज कौन करते हैं, लाइक ये लेडीज के लिए? ये जो ना आजकल जो ना वो बात है नहीं सिर्फ लेडीज के लिए ना, इस पे कोई लिखा हुआ है, लेकिन ये कि ये लेडीज भी यूज कर सकते हैं, मतलब जेंट्स जो ये मेरे ख्याल में चलाते वही थोड़ी बड़ी एज के आदमी होंगे। हाँ, ये जो ना ये थोड़ी सॉफ्ट टाइप है, जिस तरह आम मोटरसाइकिल होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद मजे की बात आपको बताते चलो, तो इसमें आपको स्कूटी में स्पेशल जो बात मैंने देखी है वो इसका जो है रिवर्स गियर भी है। इसमें जो है आप लोग रिवर्स गियर भी लगा सकते हैं और इसका डबल इंडिकेटर भी दिया जाता है जो की अभी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। इसकी फ्रंट लुक काफी ज्यादा आपको अट्रैक्टिव और डिफरेंट सी दी जाती है। यहाँ पर अगर इसकी फ्रंट लुक की बात कीजिए तो यहाँ पर आपको जो लाइट दी जाती है ना, ये आपको होंडा CHR की लाइट दी जाती है। इसके बाद जब आप लोग लेफ्ट एंड राइट लगाते हैं तो वो आपको इसकी साइड पे जो है इसका साइड मिरर लाइक इंडिकेटर दिया गया। यहाँ पर आपको जो है ईवी की बैचिंग और इसके बाद यहाँ पर इसकी फ्रंट हेड लाइट्स है। इसमें कुछ फीचर हैं यार इसको चेंज करने का, इसके हेड लाइट्स को? ये इसमें हैं लो हाई का भी है और दूसरा भी डाउन अप भी कर सकते हैं, लाइक सिंगल डबल ट्रिपल, इसमें 3 आपको जो है लैंप टाइप ऑफर किए जाते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ ये जो है आपको ब्लू कलर और इसके शाख और इसकी ब्रेक की अगर बात कीजिए तो वो आपको जो है डिस्क ऑफर की जाती है, जैसा आप लोग देख सकते हैं ये जो है आपको डिस्क ब्रेक ऑफर की जाती है, ये काफी ज्यादा स्टाइलिश है। इसके साथ ही साथ इसके साइड प्रोफाइल की अगर बात की जाए, इसके बाद इसके साइड प्रोफाइल जाने से पहले मैं आपको जो है इसकी कुछ अहम अहमियत बताता चलूं, तो इसकी आप बताएंगे यार इसकी बैटरी कहाँ पे होती है? बैटरी जो ना इसके अंदर जाती है, होती है जिस तरह ये प्रॉपर जो डीगी टाइप बनी हुई है। अच्छा, ये स्टोर वगैरह कर सकते हैं आप? ये आप लोग कह सकते हैं इसका जो है वो सेफ गार्ड आप लोग कह सकते हैं, इसमें आप लोग सामान भी ले सकते हैं, सामान भी रख सकते हैं। इसका अपनी जो ना बैटरी और ये सारा कुछ इसके अंदर पड़ा था, वारंटी कार्ड वगैरह सारा कुछ। अच्छा, ये इसकी मोटर है जो इसको चार्ज करती है और ये जो बटन लगा हुआ है इससे आप उसको ना बंद कर सकते हैं, यानी कि आपने इसको ऑफ कर दिया सही, उधर से आप बेशक लॉक ना भी करें तो ये स्कूटी ऑन नहीं होगी, स्टार्ट नहीं होगी। अच्छा, ये इसका ब्रेकर है? हाँ, ये ब्रेकर है। सही सही, तो इसके बाद यही इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको अच्छी खासी स्पेशियस कैपेसिटी ऑफर की जाती है और इसकी बैटरी जो है वो यहाँ पर है मेरे ख्याल में अवेलेबल। यस, ये ना खोलेंगे इसके नीचे प्रॉपर ये सारी बैटरियां यार, इसके ऊपर जो है ना 2 पेज लगे हुए हैं। अगर आप लाइक जैसा आप लोग कह सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी, अब अगर आप इसको बाहर खड़ा करें तो कोई यही निकाल के ले जाए फिर क्या कर सकते? वो तो समझे कि किस्मत की बात है। अच्छा, मतलब ये बाद लोगों को पता भी होता है बाद लोगों को नहीं पता, ये तो एक सेफ्टी के लिए, चलो आप इसके ऊपर जो है ना कुछ ऐसे लगा सकते हैं। सही सही, तो इसके बाद इसका हैंडल लॉक भी होता है? हैंडल लॉक इसका होता है। अच्छा, आपको इसके बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज होगा? इसका मोटर पावर जो है 1200 वाट है और इसका रेंज जो है ये एक चार्ज पे 65 किलोमीटर चलती है। 65 किलोमीटर और होते कितने टाइम? 7 घंटे, 6 से 7 घंटे सर चार्ज होते हैं एक चार्ज, 6 से 7 घंटे जी। और इसका टॉप स्पीड जो है वो 55 किलोमीटर पर आवर है। 55, सही। इसमें 3 कलर अवेलेबल है, ब्लू कलर है और इसके अलावा रेड कलर है और व्हाइट कलर है। रेड और व्हाइट आपको कोई रिक्वायरमेंट करे तो आप मंगवा कर दीजिए, वो भी हमारे पास अवेलेबल अभी खत्म हो गए हैं। इंशाल्लाह करीब इसका अलग सेपरेट स्टेज
शोरूम बनाएंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह जितने भी यूट्यूबर है, व्लॉगर है, जिस तरह पाक व्हील वाले सुनील भाई है, सारे बुलाएंगे और इंशाल्लाह इसका फिर मार्केटिंग करेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर आपको जो है इसकी साइड प्रोफाइल पे यहाँ पर EV-C1 की बैचिंग दी गई है और बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है रियर साइड पे भी जो आपके साथ बैठा होता है उसके लिए अलग से आपको पैडल ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में 2% के लिए ये इजीली है ना। अच्छा, रियर साइड पे आपको यहाँ पर जो है एयर बैग्स भी ऑफर किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर बात की जाए इसकी रियर साइड के रिम की, तो यहाँ पर ये आपको फ्रंट एंड बैक दोनों जो है इसकी डिस्क प्लेट ऑफर की जाती है, जो कि आपको इसकी ब्रेक लगाने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। इसके साथ ही साथ इसके रियर साइड की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर भी ईवी के नेम की बैचिंग और यहाँ पर आपको इसकी लाइट्स जो दी जाती है, जो आपको वाई की शेप ऑफर करी है। आप इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है जैसा टेस्ला Model 3 आपको जो है टी की शेप ऑफर करता है, इसी तरह यहाँ पर आपको जो है वाई की शेप ऑफर करता है। यहाँ पर आपको जो है इसका इंडिकेटर दिया गया है, जो कि आपको काफी ज्यादा स्टाइलिश नजर आता है, बट ये आपको हैलोजन में ऑफर किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है लैंप दिया जाता है और बाकी इसकी रियर साइड पे यहाँ पर बेसिक सी चीजें थी। इसके साथ साथ अगर आगे आया जाए तो यहाँ पर आपको जो फीचर्स ऑफर किए जाते हैं, यहाँ पर इसके साइड मिरर का कंट्रोल है, इनको आप लोग जो है अपनी मर्जी से एडजस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लाइक ये जहाँ पर आए आपको कहीं पर एडजस्ट होकर बैठने का पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो है कुछ कंट्रोल दिए जाते हैं, यहाँ पर आपको इसका जो है डबल इंडिकेटर दिया जाता है और नीचे की तरफ आप लोग जो है इसका रिवर्स गियर लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको इसका हॉर्न दिया जाता है, यहाँ से आप लोग इसके लेफ्ट एंड राइट जो है इंडिकेटर एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर आपको इसके लाइट्स के कंट्रोल। और यार शायद भाई आप मुझे ये बताएं इसमें गियर कितने हैं टोटल? इसमें जो है ना टोटल 3 गियर हैं। अच्छा, इसमें 3 गियर हैं जैसे वो पुराने वाली थी, लेकिन इसकी स्पीड जो है 55 है। 55 सही सही। तो इसके बाद यहाँ पर आपको जो है लाइट्स के दिए जाते हैं और बाकी जैसा आप लोगों ने आजकल 2023 की जो गाड़ियां आ रही है ना 2023-24 की, उनमें आपको जो है ये पी का जो है बटन ऑफर किया जाता है। ये भी ऐसे ही है कुछ, आप लोग कह सकते हैं इसकी जो है पार्किंग ब्रेक कह ले, जब आप इसको प्रेस करते हैं तो ये जो है स्टॉप हो जाता है, लाइक ये पार्क हो जाता है। जब इसको आप लोग जो है डबल टैप करते हैं तो फिर जो है अनपार्किंग होकर ये जो है ड्राइव होता है। बाकी यार गाड़ी की आप लोगों ने देख ली होगी और इसका साइड लॉक भी है, मतलब जिस तरह आम मोटरसाइकिलों में होता है। अच्छा, तो ये लॉक हो जाती है। और दूसरी बात की जब आप ये इसको लॉक करते हैं तो इसमें रिमोट में भी इसका जो है ना अपना वो है पार्किंग, मतलब आप इसको बंद कर दें तो ये जाम हो जाता है टायर, इसका मोटर जाम हो जाता है। ये जो जैसे गाड़ी की तरह लॉक होगी उसके टायर लॉक हो जाते हैं, जाम हो जाता है मोटर, जाम होता है टायर आगे घूमता नहीं है, आप सीट के भी लेके जा नहीं सकते, मतलब इतनी वजनी भी एक है और दूसरी बात इसको आगे जाम। तो बाकी इसका मीटर आप लोग देख सकते हैं, आप थोड़ा सा हम लोग जो है इसको ड्राइव करते हैं और फिर बताते हैं। इसके बाद यार हम यहाँ पर जो है ना बैठे तो है, बट ये बैठने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल है 2% के लिए। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बस काफी है यार, यहाँ से इसको रिवर्स करते हैं। हाँ रिवर्स कर ले, बट ये बैठने में काफी ज्यादा 2% के लिए जो है ना कम्फर्टेबल है। ड्राइवर भी मुझे लगता है न्याय है, मेरी तरह मैं उतर जाता हूँ यार, आप लोग जो है ना इजिली ले। बाकी यहाँ पर इसकी स्पीड जो है 55 है, आप लोग जो है इसको किसी भी स्पीड पे यूज करते हैं तो वो आपको जो है इतनी एवरेज प्रोवाइड करते हैं जितनी एक नॉर्मल में होनी चाहिए। सो यार इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने जो है इसका ऑल दिस सारे का सारा रिव्यू, मुझे जितना गाड़ी था मैंने सब कुछ आपसे शेयर कर दिया। इसके बाद आपको नॉलेज के लिए बताता चलो, तो यार इसकी मोटर की जो है गारंटी क्या होती है? इसकी जो मोटर की जो गारंटी है वो 18 महीने की है। जी हाँ। अच्छा, तो उसमें 18 महीने में अगर कोई इश्यू हो जाए तो फिर उसकी क्या आप सर्विस प्रोवाइड करें? वो जो है ना मतलब इनकी जो प्रॉपर कंपनी है वो आपको जो है ना मतलब दरवाजा भी आ गया, अगर कोई रास्ते में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कॉल करते हैं तो वो दस्ती पहुंच जाते हैं। सही, तो ये आपको जो है ना इमरजेंसी आप लोग कह सकते हैं आपकी जो है हेल्प के लिए भी हाजिर हो जाते हैं, आप लोग कॉल करेंगे तो ये उसी टाइम आपके लिए हाजिर हो जाते हैं। पूरी टीम आती है प्रॉपर। अच्छा अच्छा, इतनी बड़ी तो चीज नहीं है यार प्रॉपर, लेकिन जो इसके मसले मसाले थे उसके मुताबिक जो सही वगैरह होते हैं। तो यार बाकी जाना अभी अजानें हो रही हैं, तो फिर आज की वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए इजाजत दें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज। और बाकी शायद भाई इसके जो जितने भी चीजें खास थी आप लोगों ने बता दी। जी चले, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।